हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आईफोन 10, 10s, 10x मैक्स और 10R के अंदर बैटरी का परसेंटेज कैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इसमें नॉच आ गई है, तो नॉच की वजह से वहाँ पे बैटरी का जो परसेंटेज है वो उसके लिए कुछ इनफ स्पेस नहीं है। अगर आपके पास आईफोन 6 प्लस कोई भी 7, 8 मॉडल है तो उसमें तो एक सेटिंग्स आता था और वहाँ से आप ऑन करते थे तो ऊपर टॉप बार में राइट साइड में बैटरी के बाजू में इंडिकेटर में वो मिल जाता था कि कितने परसेंटेज बैटरी है। लेकिन ये आईफोन 10 के बाद में नॉच की वजह से वहाँ पे इनफ स्पेस नहीं है, तो ये जो बैटरी का जो परसेंट है आप वहाँ कहाँ से देख सकते हैं। और iOS 12 के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है, और ये स्पेसिफिक जो डिवाइस है उसमें भी ऑप्शन नहीं है कि परसेंटेज को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए, ये जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब अगर आपके पास iPhone 10, 10s, 10s Max, 10R वगैरह है तो उसमें बैटरी के परसेंटेज कैसे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बैटरी बता रही है लेकिन उसके परसेंटेज नहीं बता रहा है। तो एग्जैक्टली उसमें है क्या, कुछ सॉफ्टवेयर के चेंजेस वगैरह आए हैं। यहाँ पर मैंने दोनों में iOS 12 अपडेट कर दिया है। दूसरा जो मॉडल मेरे पास है वो iPhone 6 Plus है। तो अगर मैं iPhone 6 Plus में देखता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 84% बैटरी बता रही है। अगर मैं सेटिंग्स में से जाऊँ तो मुझे सेटिंग्स में से बैटरी में जाऊँ तो बैटरी में यहाँ पे एक बटन मिल रहा है बैटरी परसेंटेज। अगर मैं इसे ऑन ऑफ करूँ तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो ऑन ऑफ भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर ये मेरा 10S मैक्स है, अगर मैं उसमें जाता हूँ तो उसके अंदर अगर मैं बैटरी ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे बैटरी के अंदर कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बैटरी में गया और बैटरी में जाते तो सिर्फ यहाँ पे लो पावर मोड का ऑप्शन है और बैटरी हेल्थ का ऑप्शन है, बाकी सब दोनों में iOS 12 है। लेकिन आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स में कितना डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे बैटरी परसेंटेज का बटन है, यहाँ पे नहीं, यानी बैटरी परसेंटेज का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा इसे ब्राइटनेस ज़्यादा कर देता हूँ तो बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन जो नए डिवाइस में है नहीं। तो जनरली एप्पल ने ये पर्टिकुलर ये जो मॉडल है iPhone 10, 10s, 10s मैक्स और 10R वगैरह उसमें ये ऑप्शन निकाल दिया है और बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दे दिया है। तो यहाँ पे आप जब स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेंटर मिलेगा, और यहाँ से आप राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे बैटरी के परसेंटेज दिखाई देता है, 98% अभी है। और दूसरी एक चीज़ भी आप नोटिस कीजिए, उसके साथ यहाँ पे ये जो डू नॉट डिस्टर्ब है उसका आइकॉन भी है। मैंने अभी डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर रखा है, लेकिन अब जैसे मैं उसे बंद करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मुझे दो ही आइकॉन दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर नॉच है, पर्टिकुलर फेस आईडी की पूरी सिस्टम यहाँ पे है, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ बहुत कम स्पेस बची है। उसकी वजह से यहाँ पे जितने भी आइकॉन फिट हो सकते हैं वो आइकॉन यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है प्रायोरिटी में नहीं है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइमिंग है 11:03, और अगर मैं बाद में इसे स्वाइप करता हूँ तो जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि ये वोडाफोन इन वगैरह जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बाद में भी वाईफाई के साथ कनेक्ट हो वो सब डिटेल में यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पे सिर्फ ये टावर का सिंबल, छोटा सिंबल वाईफाई का सिंबल वगैरह ही आता है, लेकिन डिटेल में वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर लॉक स्क्रीन होती है तो यहाँ पर भी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लॉक में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा स्क्रोल हो रहा है वोडाफोन इन वगैरह टावर का, और यहाँ पर मैं स्वाइप करता हूँ तो बैटरी और कंप्लीट डिटेल मिल जाती है। यानी जो डिटेल यहाँ पे फिट नहीं हो सकती वो जनरली एप्पल ने क्या किया कि ये जो स्पेसिफिक मॉडल्स है 10 के बाद जो भी मॉडल उसमें कंट्रोल सेंटर के अंदर ले लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे भी टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं चैनल पे नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपके डिवाइस में पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।